सिंगरौली में कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए किल कोरोना अभियान 2 का कलेक्ट्रेट परिसर में शुभारंभ किया गया। यह अभियान 14 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य है कि संकल्प के साथ कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। कोरोना अभियान 2 की शुरुआत करते हुए कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने लोगों को कोरोना की चेन तोड़ने का संकल्प दिलाया। इस अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन करने पर रोक लगा दी गई है। शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण आदि कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवधि में किसी भी प्रकार की राजनीतिक रैलियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। जनप्रतिनिधि अपने कार्यालय अथवा निवास स्थान पर जनता की समस्याएं सुन सकते हैं, किंतु एक समय में 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते। राजीव रंजन मीणा ने बताया कि सभी को मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उनके विरुद्ध जुर्माना तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना अभियान का फेज 2 जिसके अंतर्गत एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि जो कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। और इसके अंतर्गत जो मेन मोटो है कि एक मास्क अनेक जिंदगी, मास्क लगाने से जो आप अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचाते हैं उससे बहुत सारी जिंदगियां हम बचा सकते हैं। तो ये मोटो है कि हम सभी ऐसे जो लोग हैं जो कि जिनके पास मास्क नहीं है तो उनको मास्क वितरण करने का कार्य भी करेंगे और एक पॉजिटिव मैसेज देंगे कि आप प्रॉपरली मास्क लगाएं, जिससे कि आप अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।